आज हम डोमेन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन सीखेंगे, जिसमें कि एक फंक्शन में दो तीन फंक्शन हो सकते हैं, वैसे फंक्शन का हम डोमेन निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास fx = x - 2 + √x²-4 है। जब भी इस तरह का फंक्शन हमें मिले तो हम सेपरेटली अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास यहां दो फंक्शन है, एक का नाम दे रहे हैं हम gx = x - 2 एंड hx = √x²-4। हम बारी बारी से एक एक करके डोमेन निकालेंगे, जो कि है gx = x - 2। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हम लोग रियल नंबर लिखते हैं, यानी ये हो गया r, ये r। अगला फंक्शन है हमारा √hx = √x²-4। तो इस तरह के फंक्शन के लिए हम लोग सीखे हैं x²-4 > 0 एंड इसे ब्रेक किए तो ये आ गया x - 2 × x + 2 > 0। एंड अब इसे क्या करेंगे, हम लोग दो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जो कि हमें 2 एंड -2 आया, और इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। दो क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक 2 आएगा और एक -2। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने पर ये -∞, ये +∞, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज -2 एंड 2। अब एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे कहां पॉजिटिव आ रहा और कहां नेगेटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, यहां पर प्लस, ये माइनस, ये प्लस। आप चाहे तो यहां पर वैल्यू भी पुट करके चेक करते हैं, जैसे कि 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू डालेंगे यहां पॉजिटिव आएगा, -2 और 2 के बीच का वैल्यू डालेंगे ये नेगेटिव आएगा, एंड -∞ से -2 के बीच का वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये आया। एंड अब क्या करेंगे, यहां डोमेन इसका निकाल लेंगे। तो डोमेन हमारा आ रहा है -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, यह है इसका, और इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो हम ये देखेंगे इसका रियल नंबर है, मतलब कि हम सारे नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, और इस 2 से बड़ा वाला वैल्यू मतलब है 2 को भी लेंगे और इससे बड़ा वाला वैल्यू भी लेंगे ये, एंड इसका मतलब ये हो रहा है -2 से कोई भी छोटा वैल्यू ले सकते हैं। तो इन दो जिगजैग लाइन में हम जो कॉमन रीजन आएगा हम उसे आंसर मानेंगे, जो इंटरसेक्शन हुआ। तो हमारा इंटरसेक्शन वाला वैल्यू आ रहा है डोमेन −∞ से -2 एंड 2 to ∞। हेंस इस फंक्शन का डोमेन आ गया −∞ to -2 (2 ) यूनियन 2 to ∞। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी दो फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग सेकेंड इक्वेशन में, ठीक उसी प्रकार से हम दोनों फंक्शन का बारी बारी से डोमेन निकालेंगे एंड दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन निकालेंगे। चलिए देखते हैं, पहले फिर से मानेंगे gx = √x - 4 and hx = √x²-9। यहां से इस तरह के फंक्शन के लिए हम करते हैं, रूट वाला वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया > 0। तो यहां से x का वैल्यू > 4 आया। एंड सेकेंड इक्वेशन को चेक करेंगे, यहां से अगेन x²-9 > 0, फिर से x - 3 and x + 3 = 0। फिर से हमारा क्रिटिकल पॉइंट 3 और -3 आया, फिर वही काम करेंगे, हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से क्रिटिकल पॉइंट आया -3 और एक आया 3, एंड इस पॉइंट को भी हम लोग इसमें प्लॉट कर सकते हैं, जो कि यहां पर 4 है तो 4 को भी इंक्लूड कर लेंगे। एंड ये हुआ इन्फिनिटी, ये हुआ -∞। अब हम एक एक करके दोनों कंडीशन को चेक करके देखेंगे। ये कंडीशन बोला जा रहा है कि x का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन आई थिंक आ रहा है 4 से बड़ा, ये
एंड अगर इस कंडीशन को चेक करें तो ये कहा जा रहा है कि या तो 3 हो या 3 से बड़ा, एंड ये कंडीशन कह रहा है माइनस वाले के लिए या तो -3 हो या -3 से छोटा। तो हम ये देख रहे हैं हमारा जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा आंसर होने वाला है। तो हम देख रहे हैं कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला एरिया जो कि 4 से इन्फिनिटी तक है। तो इस प्रकार से हमारा इसका डोमेन निकल जाएगा 4 to infinity। 4 में हम बिग ब्रैकेट डालेंगे और इन्फिनिटी में स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी डोमेन निकाल लिए हैं। अब आते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों को परेशान करता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसे देख लेते हैं। हमारा थर्ड इक्वेशन है रूट अंडर एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। इधर लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस मोड एक्स। इसे भी हम अपने जो बेसिक टाइप हम बता चुके हैं जो कि रूट के अंदर में रहेगा उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू रहेंगे, सेम रूट यहां भी काम करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सब में सेम रहेगा, दैट इज एक्स माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा ध्यान से समझेंगे। अब क्या करेंगे, इस मॉडुलस फंक्शन को राइट साइड ले जाएंगे, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स में का मतलब ये समझे कि x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हम इसको एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी x का वैल्यू 0 डालते हैं तो यहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक हम पॉजिटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 डाल के देखें, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यानी कि जो भी हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे उस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक नेगेटिव वैल्यू डाल के देखेंगे, जैसे कि -1 डाल के देखते हैं एक्स की जगह पर, अगर एक्स की जगह पर -2 डाले तो क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। ये आया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2, तो ये आ रहा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका वैल्यू आ गया 2। क्या ये कंडीशन हमारा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम x के जगह पर -3 ले रहे हैं, तो ये क्या बनने वाला, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -3। तो यहां से फिर से देख रहे -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, जो कि सरासर गलत है। यानी कि हम एक्स का वैल्यू कुछ भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, जैसे नेगेटिव ले रहे तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा। यानी कि डोमेन हमारा निकलने वाला है फ्रॉम 0 to infinity, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और यह इक्वल टू का साइन है इसलिए हम लोग बिग ब्रैकेट डालेंगे और इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मॉडुलस फंक्शन का भी डोमेन निकाल लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th में। क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू √1/√2 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स। फिर से यहां पर वही काम करेंगे, लेकिन इस बार रूट वाला नीचे आ गया। तो रूट वाले केस में हमने क्या बताया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देंगे, दैट इज मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहां आ रहा है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। फिर वही काम करेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा, एक एक करके हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। जैसे हम 0 डाले तो 0 क्या 0 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन गलत है। 1 डाल के देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, 1 ग्रेटर देन ये है 1 1। क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं, ये भी गलत है, सरासर गलत है। यानी कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, अब नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। सपोज x = -1, तो
मॉड माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन आ रहा है। तो यहां से आ रहा है मेरा माइनस वन ग्रेटर ये आ रहा वन ग्रेटर देन माइनस वन। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि वन जो है ग्रेटर देन माइनस वन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये हमारा सही वैल्यू हो सकता है। एक और चेक कर लेंगे माइनस टू, जैसे एक्स की जगह पर माइनस टू डालकर देख लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस टू ग्रेटर देन माइनस टू, तो इसका वैल्यू आया टू ग्रेटर देन माइनस टू, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो यानी कि हम कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं यहां पर, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, यहां तक कि जीरो भी नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डोमेन निकल रहा है वो जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन ध्यान देंगे हमें जीरो को नहीं लेना है, तो जो हमें नहीं लेना है इसलिए हम वहां पर स्मॉल ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं और यहां भी स्मॉल ब्रैकेट का, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जीरो को छोड़कर जीरो से बड़ा अप टू इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारा डोमेन आ गया फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब आगे आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इस तरह के क्वेश्चन में। अब यहां पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आ गया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आ गया, ये दोनों केस हमारा काम करेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, बारी बारी से हम एक करके दोनों का डोमेन निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डोमेन जीएक्स माध्यमिक से साइन एक्स का डोमेन कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, डोमेन इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, एंड इन केस ऑफ साइन इनवर्स इसे भी देख लेते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां हम लोग ये ध्यान देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू जो डोमेन होता है एक्स का, एक्स का जो वैल्यू हो सकता है वो माइनस वन से वन के बीच में लाइक करता है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन। तो यहां हमारा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारा आंसर माइनस वन से वन हो रहा है। तो कॉमन रीजन चेक कर लेंगे, ये हुआ इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस वन, ये वन। इस कंडीशन के अनुसार ये कहा जा रहा है हमारा जो x का वैल्यू होना चाहिए वो माइनस वन भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, और इसके बीच का सारा वैल्यू भी हो सकता है, एंड ये बोल रहा है कि सारा रियल नंबर हो सकता है, ये बोल इसका कहना है सारा रियल नंबर हो सकता है। लेकिन हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं जो हमारा कॉमन रीजन होता है, जो इंटरसेक्शन होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर आने वाला है डोमेन ऑफ एफ एक्स, लिख ले रहे एफ एक्स, इस एफ एक्स का डोमेन आने वाला है माइनस वन से वन, लेकिन यहां पर बिग ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेवन भी हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे, कॉस एक्स क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस वन। अगेन फिर से हम कॉस एक्स का अलग डोमेन निकालेंगे, इसे जी एक्स मानेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डोमेन हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रियल नंबर होता है, एंड सेकेंड फंक्शन हमारा एच एक्स जो कि है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस वन। अगर यहां पर ये चेक करेंगे कि एक्स वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये वाला वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाइक करता है, तो वो कंडीशन चेक करेंगे माइनस वन लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन। अब यहां ये चेक करेंगे हमारे पास रूट में आ गया, ध्यान में ये रखेंगे कि रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, हमेशा जीरो से बड़ा ही हो सकता है, यानी कि नेगेटिव में लेने का कोई औचित्य नहीं है, यानी कि ये वैल्यू है जीरो से बड़ा होगा और वन से
छोटा या बराबर हो सकता है, ये कंडीशन कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जब रूट जीरो वन के बीच में लाइक कर रहा है तो इसका स्क्वायर भी जीरो वन के बीच में लाइक करेगा, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा जीरो, ये एक्स माइनस वन और ये आ गया वन। अब हमें एक्स का वैल्यू लाना है तो क्या करेंगे, एक्स वैल्यू लाने के लिए दोनों तरफ वन को ऐड करेंगे, तो जीरो प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन प्लस वन, तो ये आ रहा है वन लेस देन इक्वल टू एक्स, ये कट गया लेस देन इक्वल टू टू, यानी कि एक्स का वैल्यू हम वन और टू के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसे हम लोग नंबर लाइन में फिर से रिप्रेजेंट करके चेक कर लेंगे, यह है वन और यह है टू, इसके बीच का वैल्यू ले सकते हैं ये वाला वैल्यू, एंड ये बोला और रियल नंबर, और रियल मतलब ये सारा, तो हमारा जो कॉमन रीजन क्या आया फिर से, दैट इज वन टू टू, वन से टू के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहां तक कि वन भी ले सकते हैं और टू भी ले सकते हैं, तो यहां पर हम बिग ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे क्योंकि हम वन और टू को भी इंक्लूड किए हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर एट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एट में पढ़ेंगे जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस थ्री इंटू रूट अंडर एक्स प्लस थ्री। इस क्वेश्चन को देखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस थ्री इंटू रूट अंडर एक्स प्लस थ्री। बहुत सारे बच्चे यहां पर यह गलती करने वाले हैं कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फंक्शन को, जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, और इसका हम लोग वैल्यू सॉल्व करके वो निकाल देंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो माइनस थ्री ये थ्री इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां प्लस ये माइनस और ये प्लस, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, लेकिन यहां पर हमारा जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? यहां पर हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो मैंने बताया कि जब भी दो फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग, तो दोनों का सेपरेटली अलग अलग डोमेन निकालेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया करेंगे, या इस क्वेश्चन के अनुसार यहां पर हमारा डोमेन आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, ये डोमेन आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करके निकालें, जैसे कि रूट अंडर एक्स माइनस थ्री, इसे जी एक्स मान लेंगे, रूट अंडर एक्स माइनस थ्री एंड एच एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस थ्री, यहां पर अलग लेंगे एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा थ्री से बड़ा वाला वैल्यू, और यहां से x प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से आने वाला है x का वैल्यू माइनस थ्री से भी बड़ा होना चाहिए। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके चेक करेंगे, तो ये आने वाला है माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, दो वैल्यू है हमारे पास माइनस थ्री एंड थ्री, एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंडीशन कह रहा है कि या तो थ्री होगा या थ्री से बड़ा, एंड सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि या तो माइनस थ्री होगा या तो माइनस थ्री से बड़ा, तो इस कंडीशन के अनुसार हमारा जो कॉमन रीजन आया वो है थ्री से लेकर इंफिनिटी, यानी कि डोमेन हमारा आ रहा है फ्रॉम थ्री टू इंफिनिटी, थ्री को भी इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी तक भेज देंगे। तो यहां पर हम ये देखें कि हमारा सिर्फ और सिर्फ डोमेन आया थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक, जबकि पिछला तरीके से अगर बनाया जाए तो वो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, जो कि सरासर गलत था। हम जब इस तरह की कंडीशन को चेक करना रहा तो हम दोनों को अलग अलग फंक्शन मानेंगे और दोनों को अलग डोमेन निकालकर एक इंटरसेक्शन वाला जो डोमेन आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।